हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल पॉइंट में। मध्यकालीन इतिहास का एक वीडियो मैं दे चुका हूं जिसमें क्या पढ़ना है, विषय सूची मैंने वहां पे बताया है। 8-10 मिनट का वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दे रहा हूं, यहां से देख लीजिए, या मध्यकालीन प्लेलिस्ट बना हुआ है वहां से देख लीजिए, तब इस वीडियो को देखिएगा। दोस्तों, ये मध्यकालीन इतिहास का दूसरा वीडियो है और हर वीडियो पे यहाँ कोने में लिखा रहेगा कि कौन सा वीडियो है, हर सीरियल नंबर से या थंबनेल पे भी रहेगा, ठीक है। तो आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि आपको इतिहास, मध्यकालीन इतिहास का सीक्वेंस क्या है, एक पैटर्न पे कैसे पढ़ेंगे। तो मैं पूरा विषय सूची बता चुका था, आज टॉपिक शुरू करने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पे पहले जो वीडियो आप पढ़ने जा रहे हैं, इस वीडियो में अरबों का आक्रमण और तुर्कों का आक्रमण, तो इन दो चीजों पे हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, हमने लिखा है भारत पर अरबों का आक्रमण, है ना। तो अरबों का आक्रमण क्यों हुआ, पहले इसके बारे में जानेंगे। जिसमें अरब आक्रमण हुआ था तो मुहम्मद बिन कासिम, और फिर तुर्क आक्रमण हुआ है जिसमें महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी हैं, तो इनको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे इन दोनों को। आज हम सिर्फ पढ़ेंगे मोहम्मद बिन कासिम के विषय में, यानी अरबों के आक्रमण के विषय में। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में मृत्यु हो जाने के बाद, अब अरब कंट्री से इस्लाम धर्म जो है बहुत तेजी से अगले 6 वर्षों में यहाँ के लोग जो हैं सीरिया, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान को अपने कब्जे में कर लिया। व्यापक स्तर पर यहाँ पे उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार और इन देशों को अपना गुलाम बना लिया, ठीक है। इसके बाद भारत में, ये आपका भारत का मैप हो गया, इधर का जो एरिया है, ठीक है, यहाँ सिंध है, ये अफगानिस्तान है, काबुल उबुल है, तो यहाँ पर भारत में अरबों के आक्रमण के दो कारण बताए जाते हैं। कारण बड़ा ही मजेदार है। पहला कारण यह था कि यहाँ पे अल हज्जाज एक था, अल हज्जाज यानी ईरान का यह शासक था। पहला कारण यह था कि अरबों का आक्रमण इधर से भारत में इसलिए हुआ कि एक पहला कारण यह था कि इराक का राजा था अल हज्जाज, वह भारत की वैभव और संपदा को ललचाई आंखों से देख रहा था। यानी पहला कारण यह था कि वह भारत की संपदा को, वैभव को देख रहा था, भारत में बहुत बड़े स्तर पे जो है धन है जिसको लूटा जा सकता है, क्योंकि भारत में ना उस समय मंदिरों में बहुत ही भयानक धन हुआ करता था बाबू। आगे चल के आप देखेंगे कि महमूद गजनवी जो है 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर से लगभग 20 लाख दिनार जो है कि धन की संपत्ति लूट के ले गया था। अभी भी आप जाएंगे तिरुपति वाला या फिर महाराष्ट्र में जाएंगे साईं बाबा का मंदिर, खूब सोना चढ़ाया रहता था, तो पहले भी ऐसे ही खूब चढ़ा रहता था। तो ये पहला यह लालची व्यक्ति था, इराक का जो शासक था अल हज्जाज। दूसरा कारण यह बताया जाता है कि एक देवल बंदरगाह था, सिंध प्रदेश में एक देवल बंदरगाह था जहां पे जहाज आते जाते थे, वहां पे अरब से जो व्यापार होते थे वो समुद्र से ही होते थे। प्राचीन काल में व्यापार किससे होता था, समुद्रों से होता था, तब ट्रेन थोड़ा था भैया, न बस था न ट्रक था, ऐसा कुछ नहीं था, तो बड़ा व्यापार समुद्र के या नदी के रास्ते होता था। इसीलिए आज भी नदियों के किनारे बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं भारत में ही, देख लो आपका चाहे दिल्ली हो, चाहे कानपुर हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे पटना हो, जो भी बड़े बड़े बसे हैं वो सब नदियों के किनारे बसे हुए। क्यों? क्योंकि पहले के समय में व्यापार करने का बड़ा साधन कौन सा था, जल यातायात था, तो जल के रास्ते ही हमारा व्यापार होता था। तो समुद्र के रास्ते देवल बंदरगाह पर समुद्री जो व्यापार होता था अरब से, वहां पे इस जो राजा थे सिंध के वो थे दाहिर, तो दाहिर के जो समुद्री एरिया था वहाँ पे कुछ डाकुओं ने अरब कंट्री के जो व्यापार करते थे उनके जहाजों को लूट लिया, समुद्री लुटेरों ने। तो इस पर खलीफा जो उत्तराधिकारी कहलाते थे, हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी जो कहलाते थे, उन लोगों ने राजा दाहिर पर जुर्माना लगा दिया कि आपके क्षेत्र में ऐसा हुआ है और आप जो है कि अब आर्थिक जुर्माना आप पे लगाया जाता है। तो इन्होंने दाहिर, सिंध के जो राजा थे दाहिर, इन्होंने कहा कि ये बबुआ हमारा उन डाकुओं पे नियंत्रण नहीं है, वो डाकू कब आता है, कब चोरी करता है, इसके बारे में हमको पता नहीं है। तो खलीफा गुस्सा गया और राजा, इराक के जो राजा थे अल हज्जाज को कहा कि भेज अपने भतीजा को,
तो अल हज्जाज ने आक्रमण करने के लिए कहाँ पे, भारत में, तो अपने भतीजे व दामाद, अब दोनों लिख दिया हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा, अल हज्जाज का जो राजा था इसका एक भतीजा था और दामाद भी था, क्योंकि इस्लाम में दूध जो पिलाता है उसके छोड़ के किसी से शादी हो सकता है, जैसे हिंदुओं में है मौसी की लड़की शादी नहीं हो सकता है, मामा की लड़की शादी नहीं हो सकता, लेकिन उसमें हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए वो दामाद भी था और इसका भतीजा भी था। इसको भेजा गया जब इसकी उम्र थी 17 वर्ष का, जिसका नाम था मुहम्मद बिन कासिम। इसको ध्यान से सुनिएगा, 712 ईस्वी में, 711 से ही हमला कर रहा था, लेकिन अभी इंडिया में नहीं घुसा था, उधर ही हमला करते आ रहा था, ठीक है, इधर से हमला करते आ रहा था। तो 712 ईस्वी में इन्होंने सिंध प्रांत को जीत लिया, सिंध के राजा दाहिर का एरिया क्या कर लिया, जीत लिया। इसके बाद 713 में मुल्तान का विजय, दो बड़ा विजय इसका है। तो पूछेगा कि सिंध प्रांत का विजय किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मुल्तान पूछ दे तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। इसके अलावा इसने बहुत सारे विजय किए थे। देखो विजय अभियान इसका, देखो एक देवल अभियान था, देवल बंदरगाह जो राजा दाहिर के अधीन आता था, तो पहला विजय तो इसने सिंध प्रांत को ही जीत लिया, ठीक है। इसके अलावा यहां पे देखो देवल बंदरगाह जीता, फिर नौन विजय, फिर सहवान विजय, फिर सीसम जाटोक पर विजय, राओर विजय। राओर विजय में ही इसने राजा दाहिर को क्या किया था, खूब भयानक युद्ध हुआ था, और उस युद्ध में राजा दाहिर अपनी विधवा पत्नी को छोड़ के युद्ध के मैदान में भाग जाता है। इसकी पत्नी का नाम था लाडी और इसकी दो पुत्री थी, एक सूर्य देवी और एक परमल देवी। राजा दाहिर ने लाडी अपनी विधवा पत्नी को छोड़ के युद्ध के मैदान में चला गया और युद्ध न संभाल पाने के कारण इसकी विधवा पत्नी ने आत्महत्या कर लिया और इसकी बेटी को किडनैप कर लिया, किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने। बात समझ रहे हैं, ये सब पहले में से बड़ी खूंखार थे सब, है ना, तो ये समझ लीजिएगा। फिर उसके बाद जो है भाग के जाता है राजा दाहिर ब्राह्मणावाद में, और फिर ब्राह्मणावाद में भी इसको क्या कर लेता है, गिरफ्तार करवा लेता है। लाओ आलोर विजय, फिर मुल्तान, लास्ट विजय इनका क्या था, मुल्तान विजय था। समझ में आया। तो ये था मोहम्मद बिन कासिम का एक छोटा सा आक्रमण भारत पर, और धीरे धीरे ये आक्रमण किया, और यह आक्रमण करने के बाद बाबू मोहम्मद बिन कासिम जो था, फिर बाद में अल हज्जाज जो था, यहाँ इराक का जो इसका राजा था, इसकी जो है कि तबीयत खराब होने लगी, तो ये फिर भारत से वापस घूम गया, ठीक है। 713 के बाद, मुल्तान विजय के बाद ये वापस घूम गया, कहाँ पे, अपने यहाँ चला गया। तो अपने यहाँ गया तो यहाँ पर जितने साल वो रहा था, यहाँ पे वो रहना नहीं चाहता था, उसका इरादा सिर्फ था लूटना। देखो आज भी भारत जो है विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाया हुआ है, भारत के जगह कोई दूसरा देश होता तो अब तक खत्म हो गया होता। देखो अभी यहाँ से आक्रमण शुरू हुआ ना, अभी अरबों का आक्रमण है, फिर गजनवी आएगा लूटेगा, फिर गौरी लूटेगा, फिर गुलाम वंश के लूटेंगे, फिर आगे ऐसे ही लूटते चले जाएंगे, फिर मुगल वाले लूटेंगे, फिर अंग्रेज आएंगे, फिर पुर्तगाली आए, फिर डच, फ्रांसीसी, सब के सब। लेकिन भारत माता का देखो अभी तक इतना मतलब वैभव है, इतनी संपदा है कि हम टूटते गए लेकिन आज भी हम सीना चौड़ा करके इस देश, इस सरजमी पे खड़े हैं और विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाए। तो अब आगे कोई देश अब आक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि पहले के लोग बहुत भोले थे, लोगों की बातों में आ जाते थे, अब लोग भोले भाले नहीं है, इंडिया के लोग अब बहुत चलाक हो गए हैं, इसलिए अब कोई बाहरी आक्रमण करने आएगा ना तो वो बहुत थुरा उड़ा के जाएगा, क्योंकि इंडिया की सेना बहुत मजबूत हो चुकी है बाबू, है ना। चलो अगर ना विश्वास हो तो देखो पाकिस्तान 1947 में युद्ध किया, खूब बढ़िया से थुराया, है ना। फिर उसके बाद 62 में हमारी पराजय हुआ, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री के गलती के कारण हुआ, चाइना से हारे जरूर लेकिन बहुत मुस्तैदी के साथ लड़े हम लोग। फिर उसके बाद 65 में पाकिस्तान हमला किया, फिर थुराया, फिर 71 में हमला किया, फिर थुराया। 71 में तो बाबू 98,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया था पाकिस्तान का। फिर उसके बाद 98 में हमला किया, कारगिल युद्ध किया, तब वो थुराया। फिर उसके बाद कहता है युद्ध करेंगे, तो अब युद्ध करेगा तो फिर थुराएगा, है ना। तो अब भारत के लोग कमजोर नहीं है और भारत की सैन्य शक्ति बहुत मजबूत है ना। तो अब भारत पे आक्रमण करना बहुत पापड़ बेलना हो जाएगा। पहले के समय में देखो कितना लूटे जा रहे हैं सब। तो ये सब विजय किया, इतने राजाओं को, इतने जगहों पे छोटे छोटे राजाओं को लूटा और लूट के फिर वापस चला गया। लेकिन जाने से पहले कुछ चीज यहाँ पे लागू कर गया था, उसने जजिया कर लागू किया था गैर मुसलमानों पे। पूछेगा कि प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था।
किसने गैर मुसलमानों पर जजिया कर लागू किया था? तो सबसे पहले जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लागू किया था, लेकिन इसने क्या किया था कि चार लोगों को छूट दिया था, चार नहीं पांच लोगों को, एक बच्चा लोगों को, एक बूढ़ा लोगों को, एक विकलांग लोगों को, एक महिला लोगों को, एक ब्राह्मण लोगों को, पांच लोगों को। एक धार्मिक कर था, है ना, टैक्स देना रहता था, जजिया कर। तो इसने गैर मुस्लिमों पर भी क्या कर दिया था, जजिया कर लागू कर दिया था। तो पूछेगा कि इस कौन सा मुस्लिम आक्रमणकारी ने सर्वप्रथम गैर मुसलमानों पर जजिया कर लागू किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। इसने देखा बच्चे कमा नहीं पाते, इनको जजिया कर से मुक्त रखा। बूढ़ों को देखा कमा नहीं पाते, बूढ़वा क्या कमाएगा भाई, क्या टैक्स देगा, तो इसको मुक्त रखा। फिर विकलांगों को मुक्त रखा, फिर महिला को मुक्त रखा, और ब्राह्मणों को भी क्या रखा, मुक्त रखा। लेकिन आगे यहाँ पे पूछ देगा कि ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाने वाला कौन शासक था, तो इसी लगे उसको भी पढ़ लीजिए, फिरोज शाह तुगलक था, जिसने ब्राह्मणों पे भी क्या लगा दिया था, जजिया कर लगा दिया था। फिर किसने समाप्त किया, तो अकबर ने उसको क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था जजिया कर को। फिर उसके बाद कौन लागू कर दिया, औरंगजेब ने फिर जजिया कर लागू कर दिया। ठीक, तो लास्ट में किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को पूरा पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया, या ये पूछ दे कि किस शासक द्वारा जजिया कर पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, तो मोहम्मद शाह, इसको रंगीला के नाम से भी जानते हैं, नंगे घूमता था ससुरा, है नंगे महल वहल में घूमता था। अभी तो कहानी स्टार्ट हुआ है ना, अभी आप पढ़िएगा कि क्या क्या यहाँ लव स्टोरी चलता है ना, बहुते बहुते सभी सब कांड किया। तो पूर्णता समाप्त कर दिया किसने, मोहम्मद शाह रंगीला मुगल बादशाह था, इसने पूर्ण रूप से जजिया कर को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो अब आपसे पूछेगा कि सर्वप्रथम गैर मुसलमानों पर जजिया कर किसने लागू किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। किन चार लोगों को छूट दिया था, बच्चा, बूढ़ा, विकलांग, महिला और ब्राह्मण, पांच लोगों को छूट दिया था कि इन लोगों से जजिया कर नहीं लेंगे। बाद में जाके फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर लगा दिया, किन पे, ब्राह्मणों पे। फिर अकबर ने क्या कर दिया, जजिया कर को समाप्त कर दिया। फिर औरंगजेब ने जजिया कर लगा दिया, और मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे क्या कर दिया, पूर्णतः क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। समझ में आया। तो आज का जो टॉपिक हमारा था वो सिर्फ मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था। अगले वीडियो में हम पूरा गजनवी के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके अगले वीडियो में हम गौरी के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते हुए चलेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिस वीडियो में हम महमूद गजनवी के विषय में पढ़ेंगे, यानी तुर्क आक्रमण के विषय में पढ़ेंगे, यानी अरब आक्रमण। आपने देख लिया किस टाइप से मोहम्मद बिन कासिम आया, और कब कब आक्रमण किया, कौन कौन सा विजय किया, क्या क्या इसने जजिया कर लागू किया, कैसे किया, कब आक्रमण किया, सब टोटल आपको बता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।